लोकसभा चूंटणीने लईने एनडीए द्वारा तपासनो धमधमाट चाले छे त्यारे आजे भाजपने पोताना सहयोगी पार्टीओना प्रवक्ताओ साथे बैठक योजी छे। आ बैठकनी शुरुआत केन्द्रीय प्रधान पीयूष गोयल करावशे ज्यारे समापन समय भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करशे। बैठक में लोकसभा चूंटणी पर चर्चा अने एनडीएना प्रवक्ताओनी मीडिया समक्ष कई रीते बोलवू ते अंगे पण चर्चा करवामां आवशे। आ बैठकना एक सत्र में एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान पण संबोधित करवाना छे। आ उपरांत अनुराग ठाकुर अने अनुप्रिया पटेल पण संबोधित करशे। अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभामांथी सस्पेंड करवा पर कांग्रेसना सांसद मनीष तिवारीए निवेदन आप्युं छे। तेमणे कह्युं छे कि बंधारणनी कलम 105 एक हेठळ दरेक सांसदने संसदमां बोलवानी स्वतंत्रता छे। बहुमतीनी सत्तानो दुरुपयोग करीने जो कोई सांसदने आ रीते सस्पेंड करवामां आवे तो ते लोकशाही माटे खूब दुर्भाग्यपूर्ण छे। आ बाबत सुप्रीम कोर्टमां जवा योग्य छे। कांग्रेस के फ्लोर लीडर हैं लोकसभा में, उनको इस तरह से निष्कासित किया जाए तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये फिट केस है उच्चतम न्यायालय जाने के लिए, और 105 एक के तहत ये निलंबन के जो अख्तियार हैं बहुमत को इस्तेमाल करते हुए इसके ऊपर अंकुश लगाने। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ना फ्लाइंग केस विवाद पर केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे निवेदन आप्यु छे कि तेमणे कह्युं छे कि संसद अने देशनुं अपमान करवुं कांग्रेसनी आदत छे। राहुल गांधीए फ्लाइंग केस आपीने संसदनुं अपमान कर्युं छे। पहला तेणे संसदमां पीएम मोदीने गळे लगाव्या अने आंख मीच्या अने हवे तेणे फ्लाइंग केस करी। पार्लियामेंट को अपमान करो, देश को अपमान करो, राहुल गांधी ऐसे किया। फ्लाइंग किस देखे पार्लियामेंट को अपमान करने का काम किया। पहले वो मोदी जी को गले लगाया, पार्लियामेंट में आंख मारा, अभी दूसरे तीसरे टाइम वो फ्लाइंग किस किया। चूंटणी कमिश्नरोनी निमणूक मुद्दे सुप्रीम कोर्टनी बंधारणीय बेंचना चुकादाने पलटी नाखवा केन्द्र सरकारे गुरुवारे राज्यसभामां मुख्य चूंटणी कमिश्नर अने चूंटणी कमिश्नरोनी पसंदगी संबंधित एक बिल रजू कर्युं छे। आ बिल मुजब वडाप्रधानना अध्यक्षपदे त्रण सभ्योनी समिति चूंटणी कमिश्नरोनी निमणूकनी भलामण करशे। जो कि चूंटणी कमिश्नरोनी निमणूक प्रक्रियामांथी सुप्रीम कोर्टना मुख्य न्यायाधीशने बहार करी देवाता विपक्षे भारे होबाळो मचाव्यो छे। बीजी बाजु आ बिलथी केन्द्र सरकार अने सुप्रीम कोर्ट वच्चे नवेसरथी घर्षणनी संभावनाओ वधी गई छे। केन्द्र सरकारे रजू करेला नवा बिलना मुजब वडाप्रधानना अध्यक्षपदे त्रण सभ्योनी एक समिति मुख्य चूंटणी कमिश्नर अने अन्य चूंटणी कमिश्नरोनी पसंदगी करशे। आ समितिनी भलामण पर राष्ट्रपति तेमनी निमणूक करशे। आ समिति में वडाप्रधान उपरांत लोकसभामां विपक्षना नेता अने एक कैबिनेट मंत्रीनो समावेश थशे। जो कि आ बिल केन्द्र सरकार अने सुप्रीम कोर्ट वच्चे घर्षण उभू करे तेवी व्यापक संभावनाओ छे। ज्ञानवापी एएसआई सर्वे नो 8मो दिवस छे। एएसआई नी टीम एक वैज्ञानिक सर्वे करी रही छे जे अंतर्गत ज्ञान वापी नी पश्चिमी दीवाल थी लईने भोयराओ गुंबज अने छत सुधीना बोल्डिंग्स की बारीकाई थी तपास करवामां आवी रही छे। जे अंतर्गत ज्ञानवापी में पूजा की मांग ने लेने कोर्ट में पेन्डिंग केस की सुनावणी आज थशे। आ पहला कोर्टे सामान्य लोकोने पण केस में पक्षकार बनवा अरजी आपवा अने बांधो नोंधावानी तक आपी छे। जो कोई आ मामले पक्षकार बनवा इच्छे छे तो ते पोतानो पक्ष रजू करी शके छे। संजय कुमार रस्तोगी, नवीन कुमार, अमित कुमार सिंह अने अखंड प्रताप सिंह ज्ञानवापी में पूजा ने लेने सिविल जज की कोर्ट में दावो दाखिल कर्यो छे। जे बाद कोर्टे सामान्य लोकोने तेमां पक्षकार बनवानी तक आपी छे। आ मामले आजे सुनावणी थवानी छे जेमां अंजुमन एरेंजमेंट कमिटी अने काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्टने प्रतिवादी बनावामां आव्या छे। मणिपुर मुद्दे एनसीपी सांसद फैजिया खाने निवेदन आप्युं। तेमणे पीएम मोदी पर निशान साधता कह्युं छे कि तेमनी कथनी अने करनीमां फरक छे। मणिपुर में एफआईआर जेटली धरपकड़ो छे, 6000 थी वधु एफआईआर दाखिल करवामां आवी छे। परंतु जो आपणे धरपकड़नी संख्यानी तुलना करिए तो ते जोवामां आवशे के जे प्रकारनी कार्यवाही थवी जोईती हती ते करवामां आवी नथी। जे दिवसे ते पीएम तेमना हृदयमां इच्छे छे तेना ते दिवसे ते नियंत्रणमां रहेशे। वडाप्रधाने मणिपुर जवुं जोईए।
कथनी और करनी में फर्क है, ऐसा लग तो नहीं रहा है, क्योंकि जितने एफआईआर हुए हैं उतने अरेस्ट हुए हैं क्या? अगर देखा जाए तो 6000 से ऊपर एफआईआर है और अरेस्ट कितने हुए अगर वही तुलना कर लें तो दिखेगा कि एक्शन नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। और जब तक हमको दिल से प्रधानमंत्री को ऐसा न लगे कि मुझे इस पे किसी तरह नियंत्रण पाना है, जिस दिन वो ये दिल से चाहेंगे उस दिन हो जाएगा, और उन्होंने वहां जाना चाहिए। नुहमा हिंसानी घटना बाद सतत कार्यवाही करी रहेली पुलिस राज्यना 10 जिल्लामा त्यार सुधीमा 153 केस नोंधा छे। छेल्ला बे दिवसमा पुलिसे 11 नवी एफआईआर नोंधी छे। हरियाणाना गृहमंत्री अनिल विजे पुलिस द्वारा अत्यार सुधी करवामां आवेली कार्यवाही अंगे स्टेटस रिपोर्ट जाहिर करता कहुं छे कि पुलिस तपास दरमियान घणा नवा तथ्यो सामे आवी रह्या छे। अत्यार सुधीमां भारतीय दंड संहितानी कलम 153A 295A 505B हेठळ 10 जिल्लामां कुल 34 केस नोंधाया छे। अगाउ तेमनी संख्या 29 हती, जे अंतर्गत पोलीसे 9 नवा लोकोनी धरपकड करी छे। आ सिवाय अन्य कलमो हेठळ 119 केस नोंधायेला छे। अगाउ आ केसोनी संख्या 113 हती। आ केसोमां अत्यार सुधीमां कुल 356 लोकोनी धरपकड करवामां आवी छे। नोहमां चाली रहेली हिंसाओ वच्चे आजथी शाळाओ शुरू करवामां आवी छे। कलम 144 हेठळ नवा आदेश जारी कर्या। आदेशों आगामी आदेशों सुधी चालू रहेशे। 11 ऑगस्ट थी जिल्ला में शैक्षणिक संस्थाओं खोलवामां आदेश आपवामां आव्या छे। तेवी ज रीते हरियाणा राज्य परिवहन की बस सेवाओ पण संपूर्णपणे पुनः स्थापित करवामां आवशे। ज्यारे एटीएम सवारे 10 थी बपोरे 3 वाग्या सुधी खुला रहेशे। नवा आदेशों मुजब नुह, तावडू, पुनहाना, फिरोजपुर, जिरका अने पिंगोवा अने नगीना ब्लॉकना म्युनिसिपल कोर्पोरेशन विस्तार में एटीएम कर्फ्यू में छूटछाटना समयगाळा दरमियान खुला रहेशे। आ विस्तारों में बैंकों खोलवानो समय पण सवारे 10 थी बपोरे 3 वाग्या सुधीनो रहेशे। जो कोई व्यक्ति आदेशों उल्लंघन करवा माटे दोषित साबित थशे तो तेनी सामे कार्यवाही करवामां आवशे। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता 75मी वर्षगांठ की उजवणी करवा माटे शुरू करायेला हर घर तिरंगा अभियान ने आ वर्षे संसदना सभ्यो द्वारा दिल्ली में बाइक रेली द्वारा पुनर्जीवित करवामां आवी हती। जनभागीदारी ने प्रोत्साहित करवा माटे सांसदों ने मंत्रीओ तेमनी बाइक पर तिरंगा झंडा लईने प्रगति मैदान खाते एकत्र थया हता। आज सवारे 8 वागे उपप्रमुख जगदीप धनखड़े बाइक रेली ने लीली झंडी आपी हती। आ दरमियान केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णवे विपक्ष पर आकरा प्रहार कर्या हता। सरकार के विशेष आह्वान के बावजूद भी विपक्ष के एक सांसद भी एक कार्यकर्ता भी इस हर घर तिरंगा अभियान में तिरंगा यात्रा बाइक रैली में नहीं मौजूद थे। मुझे आजकल लग रहा है विपक्ष के व्यवहार को देख के कि विपक्ष ने तय किया है कि देश में देश के सम्मान बढ़ाने का काम वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और सरकार के मणिपुर में वधु एक महिला साथ गैंगरेप थयानी फरियाद दाखल थई छे। महिलानी आपवीती में कहेवायुं हतुं कि टोळाए एनु घर बाळी नाख्युं हतुं। ए तेना बे दीकरा साथे भागती हती। टोळाए एने पकड़ी लीधी अने तेनी साथे गैंगरेप थयो हतो। आ बनाव 3 मेना दिवसनो मनाय छे, ज्यारे मणिपुर फरी एक वखत हिंसा भड़की हती। 3 मेना रोज एटले जे दिवसे मणिपुर में हिंसा भड़की एज दिवसे बनी हती। बे महिलाओं साथे गैंगरेप थयानी घटना बाद आ त्रीजो दावो छे। मणिपुरना चुराचांदपुर जिल्लामां एक महिला साथे गैंगरेपनो आक्षेप थयो छे। महिलाए कह्युं के घटना पछी खूब ज बीमार रहती हती, मानसिक आघात लाग्यो हतो अने फरियाद करवानी हिम्मत थती न हती। समाजना बहिष्कारना डर मैं फरियाद करवानुं टाळ्युं हतुं। मैं आ दर्दनाक विचारोथी बचवा माटे आपघातनो विचार पण कर्यो हतो। पछी आवा अत्याचारोनो भोग बनेली अन्य महिलाओ पण फरियाद करवा मांडी। એટલે હિંમત એકઠી કરી શકી છેક આટલા સમય પછી હિંમત ભેગી કરીને પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ દાખલ કરી છે તેમ કહ્યું। પ્રખ્યાત સર્જન કૌભાંડ કેસમાં સીબીઆઈએ 10 ઓગસ્ટે મોટી કાર્યવાહી કરી છે। બિહારના ભાગલપુરમાં 2017માં લગભગ 2000 કરોડના સર્જન કૌભાંડના સંબંધમાં સીબીઆઈએ માસ્ટર માઇન્ડ મનોરમા દેવીને વધુ बहु रजनी प्रियानी गाजियाबाद ना साहिबाबाद थी धरपकड करी छे। जे बाद तेने सीबीआई कोर्ट में रजू करवामां आवी अने 2 दिवसना ट्रांजिट रिमांड पर पटना लावामां आवी।
જાણવા મળી રહ્યું છે કે રજની પ્રિયા પોતાનો બંગલો છોડીને ક્યાંક જઈ રહી હતી તે સમયે તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી જો કે તે પોતાની ઓળખ બદલીને ગાઝિયાબાદમાં રહેતી હતી ઉલ્લેખનીય છે કે સજ્જન એનજીઓના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવેલી સરકારી રકમનો રજની પ્રિયા દ્વારા ગેરઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો આ કૌભાંડમાં લગભગ 2000 કરોડ રૂપિયાના કૌભાંડનો મામલો સામે આવ્યો છે टाटा ग्रुप की मालिकी एरलाइन्स एर इंडियाए नवो लोगो जाहिर करो लोगो भाग रूपे एर इंडियाए जांबली रंग आडंबर साथ लाल सफेद रंगों जाड़ी राखवा था तो हवे नवा लोगो ने द विस्टा कहेवामां आवशे एरलाइन्स ने इवेंट भाग रूपे नवी टेल डिजाइन और थीम सॉन्ग पर जाहिर कर्या छे उल्लेखनीय छे कि एर इंडिया तेना काफला में 470 नवा एरक्राफ्ट की ऐतिहासिक खरीदी साथ मल्टी बिलियन डॉलर सौदा में परिवर्तन करने की योजना धरावे छे आ अंगे एर इंडिया सीईओ कैम्पबेल विल्सने जणाव्युं छे कि अमारी परिवर्तनशील नवी ब्रांड एर इंडिया ने विश्वभरना मेहमानों ने सेवा आपती विश्व कक्षा की एरलाइन बनावानी महत्वाकांक्षा ने प्रतिबिंबित करे छे अने ते वैश्विक मंच पर नवा भारतनुं गर्वथी प्रतिनिधित्व करे छे તેમણે ટાટા સન્સના ચેરમેન એન ચંદ્રશેખરને જણાવ્યું છે કે એર ઇન્ડિયા અમારા માટે માત્ર એક વ્યવસાય નથી તે એક જુસ્સો છે એક રાષ્ટ્રીય મિશન છે લોકસભામાં વિશ્વાસ પ્રસ્તાવના છેલ્લા દિવસે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જવાબ આપ્યો આ દરમિયાન તેમણે વિપક્ષ પર નિશાન સાધવાની સાથે મણિપુર મુદ્દે પણ વાત કરી હતી જે અંગે આફ્રિકન અમેરિકન અભિનેત્રી અને ગાયિકા મેરી મિલબેને પીએમ મોદીના ભાષણને સમર્થન આપ્યું એક ટ્વીટમાં મિલબેને કહ્યું છે કે સત્ય એ છે કે ભારતને તેના નેતામાં વિશ્વાસ છે ભારતના મણિપુરની માતાઓ પુત્રીઓ અને મહિલાઓને ન્યાય મળશે પીએમ મોદી હંમેશા તમારી આઝાદી માટે લડશે જે પક્ષ તેના સાંસ્કૃતિક વારસાનું અપમાન કરે છે દેશના બાળકોને રાષ્ટ્રગીત ગાવાથી વંચિત રાખે છે વિદેશમાં કોઈના દેશનું અપમાન કરે છે તે નેતૃત્વ નથી તે સિદ્ધાંતહીનતા છે મેલબેને વધુમાં જણાવ્યું છે કે અપ્રામાણિક પત્રકારત્વ ખોટા નિવેદનોને ઉજાગર કરશે વિપક્ષ કોઈ પણ તથ્ય વગર જોર જોરથી બૂમો પાડશે તમને જણાવી દઈએ કે જૂનમાં પીએમ મોદીને અમેરિકાની સત્તાવાર મુલાકાત દરમિયાન મિલબેને વોશિંગ્ટનમાં ભારતનું રાષ્ટ્રગીત ગાયું હતું જણગણ મન બાદ મેરીએ પીએમ મોદીના ચરણ સ્પર્શ કરીને અભિવાદન કર્યું હતું દેશના ઘણા રાજ્યોમાં ભારે વરસાદ થઈ રહ્યો છે જેના કારણે લોકોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે ભારતીય હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર આગામી દિવસોમાં વરસાદની ગતિવિધિઓ વધવાની સંભાવના છે દિલ્હીમાં વીજળીના ચમકારા સાથે ભારે વરસાદની સંભાવના છે તે જ સમયે રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં મહત્તમ તાપમાન 35 ડિગ્રી સેલ્સિયસ અને લઘુત્તમ તાપમાન 27 ડિગ્રી સેલ્સિયસ રહેવાની ધારણા છે જોકે 12 ઓગસ્ટે હવામાન સ્વચ્છ રહેશે ત્યારબાદ 15 ઓગસ્ટ સુધી ગાજવીજ સાથે વરસાદની આગાહી છે ઉત્તર પ્રદેશમાં હળવાથી ભારે વરસાદ પડી શકે છે આઈએમડી અનુસાર 11 થી 13 ઓગસ્ટ દરમિયાન હળવો વરસાદ પડશે ઉત્તરાખંડમાં ગયા મહિને પણ ઘણો વરસાદ પડ્યો હતો જેના કારણે પહાડી વિસ્તારોમાં રહેતા લોકોને ઘણી સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે રાજ્યમાં નદીઓ તણાઈ નદીઓ વહેતી થઈ છે જેના કારણે પૂર જેવી સ્થિતિ પ્રવર્તી રહી છે હવામાન વિભાગે રાજ્યમાં વરસાદને લઈને ઓરેન્જ એલર્ટ આપ્યું છે સોલન જિલ્લામાં મોડી રાત્રે ભૂસ્ખલન થયું હતું જેના કારણે નેશનલ હાઈવે 5 શિમલા કાલકા રોડ ફરી બંધ કરવામાં આવ્યો છે ચક્કી મોર પાસે કાલકા શિમલા નેશનલ હાઈવે ભૂસ્ખલનના કારણે બંધ કરાયો છે તો હાલ કાટમાળ દૂર કરવાની કામગીરી ચાલી રહી છે કાલકા શિમલા હાઈવે બંધ થતા ટ્રાફિકને વૈકલ્પિક માર્ગો પર ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યો છે અગાઉ પણ ભૂસ્ખલનના કારણે હાઈવેને એક સપ્તાહ સુધી બંધ રાખવામાં આવ્યો હતો હજુ 2 દિવસ હાઈવેને ફરીથી ખોલવામાં આવ્યો છે આથી તેના પર લોડેડ ટ્રક પસાર થવાના હતા ત્યાં જ રાત્રે ફરીથી ભૂસ્ખલન થતા હાઈવેને બંધ કરવાની ફરજ પડી હતી હિમાચલમાં આ વર્ષે વરસાદે ભારે તારાજી સર્જી છે અનેક જિલ્લામાં ભારે વરસાદના કારણે ભૂસ્ખલનની ઘટનાઓ બની રહી છે જેના પગલે વાહન વ્યવહારને અસર પડી રહી છે અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ જો બાઇડન ચીનની અર્થવ્યવસ્થાને લઈને મોટી ભવિષ્યવાણી કરી છે જો બાઇડને કહ્યું છે કે ચીનની અર્થવ્યવસ્થા એક ટિફિન બોમ્બ જેવી છે જે ગમે ત્યારે ફાટી શકે છે જો બાઇડને આ માટે ચીનનો ધીમો આર્થિક વિકાસ દર ગણાવ્યો છે અમેરિકી રાજ્ય
उठावमां एक कार्यक्रम दरमियान मीडियाने कह्युं छे के तेमने चीन केटलीक समस्याओ छे जे तेमना माटे सारी नथी। ज्यारे खराब लोको साथे समस्याओ होय छे त्यारे तेओ फक्त खराब कार्यो करे छे। जो बाइडने कह्युं छे के चीन मुश्किलीमां छे ने ते चीनने मुश्किलीमां मूकवा मांगतो नथी। तेमनी साथे तर्कसंगत संबंध राखवा मांगे छे। जणावी दईए के चीननुं कंज्यूमर सेक्टर डिफ्लेशननी झपटमां आवी गयुं छे। त्यां फेक्टरी गेटना भाव पण जुलाईथी घटी रह्या छे। स्थिर ग्राहक भाव अने वेतनना कारणे चीननो विकास दर धीमो पड़ी शके छे। चीनमां स्थानिक खर्चमां घटाडो कोरोना पछी चंद्र पर पग मूकी शके छे। 11 ऑगस्ट शुक्रवारे सवारे 4:40 लूना 25 लैंडरने रशियाना वोस्टोनी कॉस्मोड्रॉमथी लॉन्च करवामां आव्युं हतुं। लूना 25 ने सोयुझ 2.1B रॉकेटमां चंद्र पर मोकलवामां आव्युं हतुं। 5 दिवस सुधी ते चंद्र तरफ आगळ वधशे। त्यार पछी 313 टन वजननुं रॉकेट 7-10 दिवस सुधी चंद्रनी आसपास फरशे। एवी अपेक्षा छे के 21 अथवा 22 ऑगस्टे चंद्रनी सपाटी पर पहोंचशे। आम आदमी पार्टीना सांसद राघव चड्ढाए जणाव्युं छे के राज्यसभानी रूलबुक प्रमाणे कोईपण सिलेक्ट कमिटीना गठन माटे कोईपण सांसद नाम प्रस्तावित करी शके छे। जे सांसद सभ्यनुं नाम प्रस्तावित करवामां आवे छे तेनी लेखित सहमति के सहीनी जरूर पड़ती नथी। जूठाणुं फैलावामां आव्युं के बनावटी सहीओ करवामां आवी हती। ज्यारे सहीनी जरूर ज नथी तो सही करवानी वात ज क्यां छे। हुं भाजपना नेताओने पड़कार आपुं छुं के बनावटी सहीओ वाळुं कागळ रजू करे। कमिटी में किसी भी शख्स का मेंबर का नाम देने के लिए आपको उस प्रस्तावित प्रपोज्ड मेंबर की रिटन कंसेंट या सिग्नेचर चाहिए। लेकिन एक झूठा प्रचार फैलाया गया कि फर्जीवाड़ा हो गया साइन का। मैं आपको आगे बताना चाहता हूं कि जब भी सिलेक्ट कमिटी के गठन के लिए नाम प्रस्तावित किए जाते हैं तो ना सिग्नेचर लिए जाते हैं ना सिग्नेचर जमा किए जाते हैं। ना सिग्नेचर की जरूरत होती है। नो सिग्नेचर्स आर रिक्वायर्ड। રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રી અશોક ગહેલોતે જણાવ્યું છે કે દલિત પછાત વર્ગના લોકોની સ્થિતિ જાણવા માટે જાતિ આધારિત જનગણના થવી જોઈએ। રાજસ્થાનમાં પણ જાતિ આધારિત જનગણના શરૂ કરવામાં આવે। પ્રદેશમાં ઓબીસી સમુદાયને 21% અનામત ઉપલબ્ધ કરવામાં આવ્યું છે જ્યારે વધારાનું 6% અનામત ઓબીસી વર્ગને ઉપલબ્ધ કરાવવા વિશે રાજ્ય સરકાર વિચારણા કરી રહી છે। લોકતંત્રમાં વિશ્વાસ ન રાખનાર आपका इतना कहना मैं समझता हूँ पूरे देश को एक मैसेज दे गया है। हम चाहेंगे राजस्थान में भी जाति की जनगणना शुरू होगी। जिसका जितना हक है वो उसको मिलेगा जाति के आधार पर। आज 21% आरक्षण है राजस्थान में ओबीसी का। 27% तक आरक्षण की मांग लंबे से चली आ रही है उसको हम पूरा करेंगे। और 6% मूल ओबीसी है उसके लिए अलग से रिजर्व कर देंगे। इस तरह की सोच को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। છત્તીસગઢના મુખ્યમંત્રી ભૂપેશ બઘેલે જણાવ્યું છે કે દેશમાં નક્સલવાદી પ્રવૃત્તિઓમાં ઘટાડો નોંધાયો છે। તેમણે જણાવ્યું છે કે આ વાત સાચી છે કે છત્તીસગઢમાં સૌથી વધુ નક્સલવાદી પ્રવૃત્તિઓ થતી હતી જો કે હવે તેમાં ઘટાડો નોંધાયો છે। પ્રદેશના ખૂબ જ ઓછા સ્થળો પર હવે નક્સલવાદીઓનું પ્રભુત્વ બચ્યું છે। છત્તીસગઢની ભૌગોલિક સ્થિતિના કારણે અન્ય રાજ્યોની સરખામણીમાં અહીં તેમનું વધારે વર્ચસ્વ હતું। છત્તીસગઢમાં જ્યારે નક્સલવાદીઓ સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે ત્યારે તેઓ ઓડિશા આંધ્રપ્રદેશ મહારાષ્ટ્ર સહિતના સરહદી ક્ષેત્રોમાં ભાગી છૂટે છે।